लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। बड़ा तीखा, मुझे देखा अच्छा लगे। तेरे इश्क में दर्द बड़ा, मुझे दर्द अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा, ओ तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। जान फिदा मेरी, मिल जाए तो मुझको है ये दुआ मेरी। तेरे साए में, तेरे पहलू में जन्नत है मेरी। तेरी दिलकश पनाहों में राहत है मेरी। तेरा इश्क बड़ा खट्टा, मुझे खट्टा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। बड़ा तीखा, मुझे तीखा अच्छा लगे। तेरे इश्क में दर्द बड़ा, मुझे दर्द अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा, ओ तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। जान फिदा मेरी, मिल जाए तो मुझको है ये दुआ मेरी। तेरे साए में, तेरे पहलू में जन्नत है मेरी। तेरी दिलकश पनाहों में राहत है मेरी। तेरा इश्क बड़ा खट्टा, मुझे खट्टा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे।
तेरा इश्क बड़ा तीखा मुझे देखा अच्छा लगे। तेरे इश्क में दर्द बड़ा मुझे दर्द अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा ओ, 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 तेरा इश्क बड़ा झूठा मुझे झूठा अच्छा लगे। जान फिदा मेरी मिल जाए तो मुझको है ये दुआ मेरी। तेरे साए में तेरे पहलू में जन्नत है मेरी। मेरी दिलकश पनाहों में राहत है मेरी। तेरा इश्क बड़ा खट्टा मुझे खट्टा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा मुझे झूठा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा मुझे झूठा अच्छा लगे। बड़ा तीखा मुझे देखा अच्छा लगे। तेरे इश्क में दर्द बड़ा मुझे दर्द अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा ओ, 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 तेरा इश्क बड़ा झूठा मुझे झूठा अच्छा लगे। जान फिदा मेरी मिल जाए तो मुझको है ये दुआ मेरी। तेरे साए में तेरे पहलू में जन्नत है मेरी। मेरी दिलकश पनाहों में राहत है मेरी। तेरा इश्क बड़ा खट्टा मुझे खट्टा अच्छा लगे। नमस्कार, रेडियो वॉइस ब्रिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज साथ विश्व भर के साथ www.radiovoicebriefm.com हमरो पात्रो एप्स और फेसबुक पेज में वॉइस ब्रिया एफएम 92.8 पर कार्यक्रम सुनता नहीं लव स्टोरी आरजे रोन के साथ में। कार्यक्रम लव स्टोरी यानी कि जिंदगानी अपने सफर एक बेफे के रात 9 से 10 बजे तक सुनते आ रहल बानी। कार्यक्रम में हमनी के लाखों श्रोता लोग बानी, वह श्रोता में से एक श्रोता के लव स्टोरी पढ़े नी। कार्यक्रम जिंदगानी में काफी पत्र सब प्राप्त भइल बाटे, अपने सब के माया साथ सपोर्ट मिल के आज कार्यक्रम एगो बहुत बड़ा ऊंचाई पर पहुंच चुकल बाटे। एमे सभी श्रोता महानुभाव लोग के बहुत बड़ा योगदान रहल बाटे। वो लोग सुने नी तभी हमनी के कार्यक्रम संचालन करे नी। आदरणीय श्रोता, आज हमने के पास एक बहुत ही हॉट अच्छी लव स्टोरी प्राप्त हुई बाटे। आज की लव स्टोरी पूरा लव स्टोरी हम पढ़ चुकल बानी, आंख रसा हुई बाटे। जिंदगी में मोड़ ही मोड़ होला, उतराव चढ़ाव से भरीपूर्ण होला।
और प्यार नफरत ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिया नियन होला, खुशी आसो खुशी गम से भरी पूर्ण जिंदगी होला। बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही इमोशनल आज की कहानी बाटे धीरेंद्र जी के कहानी। आज हमने के कार्यक्रम में संप्रेषण करे जा रहा बानी धीरेंद्र जी के कहानी अपने सबके रेडियो सेट पर प्रसारित करे जा रहा बानी। धीरेंद्र जी हमने के कार्यक्रम में पत्र प्रेषित कर ले बानी और ऐसन पत्र दर्जनों दर्जन हमने के पास अवेलेबल बाटे। एक एक करके प्रयास करें हर एक एक कहानी के अपने शब्द के रेडियो शीट पर प्रस्तुत करें के। धीरेंद्र जी की लव स्टोरी आज हमने अपने के रेडियो शीट पर प्रसारित करे जाता नहीं, अपने के पास भी ऐसा लव स्टोरी बाटे या तो जिंदगी में कहानी ही कहानी से भरल स्टोरी बाटे जिंदगानी अपन लिखें कार्यक्रम जिंदगानी में पाता बाटे। रेडियो भोजपुरी एफ एम 92.8 मेगाहर्ट्ज बीरगंज आदर्श नगर टाउन हॉल गेट के पास यहाँ पर अपन कहानी जरूर छोड़े की कोशिश करें अपने, या फिर हमने के कार्यक्रम काफ़ी दूर विदेश में रह के सुना था नहीं अपने ऑनलाइन के माध्यम से, या फिर बीरगंज से काफ़ी दूर बानी अपने, तो अपने सबसे रिक्वेस्ट बाटे अपन कहानी लिख के व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करो। एंड्रॉइड सेट से फोटो खींच के व्हाट्सएप नंबर 9803065013, लेकिन उससे पहले नेपाल के एरिया कोड 00977, ओके बाद 9803065013 इन नंबर पर व्हाट्सएप करें अपने के कहानी सीधा अपने के रेडियो सेट पर हमने के प्रसारित करें। देर ना करते बहुत ही शानदार कहानी धीरेंद्र जी के अपने के रेडियो चैट पर प्रसारित कर जाता नहीं। सिपूजन जी कहता नहीं प्यार के रंग साना रंग कोई दूजा, प्यार में तो आंसू जो बहे भी तो क्या है, प्यार की बरखा का अपना मजा है, लेकिन प्यार किया नहीं जाता ये तो होता है समझो। नजरों से पढ़ते हैं दिल की जुबान, प्यार की दुनिया तो सबसे जुदा है, प्यार से महका ये सारा जहां। समझ गई मैं प्यार का मतलब यूं ही कहते हैं सब लोग। अरे यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग। दुनिया प्यार से खुशियाँ फिर भी इसको कहते रोग। ला 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 ला। आदरणीय श्रोता कार्यक्रम यदि अपने फेसबुक के माध्यम से सुना था नहीं तो कार्यक्रम के शेयर जरूर कर दे अपने सबसे रिक्वेस्ट बांटे आर्जर उनके दोनों हाथ जोड़ के। कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से काफी दोस्त हमने की सुन रहा बने बीके कुमार दास जी
ललित कुमार यादव जी, कन्हैया मुखिया जी, सूरज पांडे जी, शंभु कुमार राज जी, रामेश्वर जी, एमडी सुल्तान अली जी, भावना सोनी जी, रंजीत कुमार माझी जी, हरि नारायण यादव जी, रामलाल सुमन जी, ललित यादव कुमार जी, राजेंद्र कुमार राज जी, यासुदेव शास्त्री जी, मुन्ना मुखिया जी, अरुण गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट बांटे, कार्यक्रम के शेयर कर दी। अब हमने के सीधा धीरेन्द्र जी के लव स्टोरी अपने के रेडियो शीट पर प्रस्तुत करे जाता नहीं। धीरेन्द्र जी लिखा था नहीं, नमस्कार आर चिरन भैया, गोर छुके गोर लगा था नहीं अपने के। आर चिरन भैया अपने के कहानी, अपने के लव स्टोरी हर एक बीफे के सुने नहीं। बड़ी दिल के सुकून पहुंचा बिला अपने के आवाज, बहुत ही पेनफुल साउंड बाटे रहो, सीधा हर्ट पर वार करेला। भगवान के लाख लाख शुक्रिया अपने के इतना मिठास आवाज बनावे के खातिर। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र भाई, हमरा आवाज के पसंद करते भी के खातिर। आचरण भैया, ऐसे तो बहुत आरजे लुकवानी, लेकिन अपने के प्रस्तुत करे के शैली सबसे हट के सबसे अलग बाटे। हमेशा रहुआ कार्यक्रम निरंतर लेते आई, अपने के कार्यक्रम के बेसब्री से इंतजार रहेला। और हमरा जैसन हजारों युवा के धड़कन बानी अपने रिक्वेस्ट बाटे दाई। कार्यक्रम निरंतर चलावत रखे, धन्यवाद धीरेन्द्र जी, इतना प्यार इतना आशीर्वाद आरजे रुन भाई पर जतावे के खातिर। लव यू मेरे भाई आरजे रुन भैया। हमर कहानी थोड़ा फिल्मी है लेकिन रियल है। आरजे रुन भैया, प्यार एक मोहब्बत पता ना कब कैसे हो जाला। इंसान चाह के कहां कबो केहू से प्यार कैले बाटे आज तक, ई तो हो जाला। और सच्चा प्यार जात पात जाति धर्म ऊंच नीच अमीर गरीबी सब कुल चीज ना देखेला, सीधा सीधा के ऊपर ये दिल फिदा हो जाला। शायद हमरा जिंदगी में भी कहीं हमर दिल ऐसा नहीं कौन हो लड़के पर फिसलता था ना गई। आरजे रुन भैया, जिकरा से प्यार करे नहीं ओकर नाम पुष्पा। पुष्पा, पुष्पा से पहला बार मुलाकात बैचलर फर्स्ट ईयर में भल रहे। आरजे रुन भैया, यूं तो
हम भी मैथ और पुष्पा भी मैथ के स्टूडेंट रह ली। पुष्पा बीरगंज के एक दूसरा कैंपस से पढ़त रही और हम दूसरा कैंपस से रहनी। हमने के मुलाकात मैथ कोटी मैथ कोचिंग सेंटर पर भइल रहे। अर्जुन भैया गांव के लड़की जैसन शहर बाजार के लिखी ना होला। जो हमनी के सोच होकेला कि लड़की कमजोर होगी, लेकिन हमर पुष्पा सबसे हट के रहली। जितना सुंदरता भगवान ओकरा में दिले रहनी, माँ सरस्वती भी उतने आशीर्वाद बनौले रहनी हमरी पुष्पा पर। पढ़े में भी टैलेंटेड, रूप से खूबसूरत। अर्जुन भैया हमर दिल का हमरा जैसन बहुत लड़का पुष्पा के चाहत रहले। और इतना सुंदर टैलेंटेड लड़की की कौन चाहिए कि हमर लाइफ पार्टनर ना बना सकी। अर्जुन भैया सोचत रहनी अपन दिल के बात पुष्पा से शेयर कर दी। गांव के लड़का भैला के कारण से हम थोड़ा सा लजालो स्वभाव की रहनी। दिन बीतते लगभग डेढ़ दो महीना जितना वक्त बीत गया। सोचत रहनी की अपन दिल की बात बता दी कि हम पुष्पा तो के लायक करे नहीं, प्यार करे नहीं तो। लेकिन अर्जुन भैया डर लागत रहे कि अपन दिल के बात बताई थे कैसे। लेकिन कबो कबो अब्सेंट भी हो जात रहनी कुछ कारण बस, तो हमनी के एक दूसरा के कॉपी लेकर के अपन होमवर्क या फिर नोट बुक डायरी कंप्लीट करे के कोशिश करत रहे सभी साथी लोग। अर्जुन भैया एक दिन हम भी अब्सेंट रहनी और सोचनी कि शायद पुष्पा से कॉपी मांग लेता नहीं और पुष्पा के कॉपी से ही जो छूटल बाटे वो नोट कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक रहे अर्जुन भैया पुष्पा के राइटिंग भी उतने सुंदर रहले जितना पुष्पा सुंदर रहली। रूम में गईला के बाद में जौन क्लास छूटल रहे
हरेक अपन छूटल पेज सबके क्लास के कंप्लीट केनी और साथे साथ एक लव लेटर पुष्पा के खातिर तैयार कैनी। आर चिरुन भैया बिहान खान बिहान भइल हमने की कोचिंग सुबह 5 बजे से ही रहे। गईला के बाद में लव लेटर पुष्पा तक पहुंचाई था कैसे? मन में डर मन में संकोच होकत रहे कि भाई लव लेटर दिखला के बाद में कहीं पुष्पा हमरा प्रति गलत ना सोची है। ऐसा अनेक तरह तरह के ख्याल हमरे मन में उपजत रहे आर जरुन भैया। फिर लव लेटर के शुरू में ना देके ट्यूशन भइल क्लास कैनी और आवे के बेरी छुट्टी भइला के बाद आवे के समय अपन लव लेटर पुष्पा के डायरी में रख के पुष्पा के दे देनी और देखे फटाफट निकलेनी। हम कहनी कि भाई कहीं देख ना लेबे, अगर पुष्पा देख लेत बाड़ी तो फिर सब गड़बड़ हो जाई। आज चेतन भैया पुष्पा के लव लेटर दिला के बाद दिल के धड़कन और ज्यादा तेजी में धड़के लगा। प्यार भी बड़ा अजीब होला। दिल के धड़कन और तेज रूम में आ गए नी। रूम में गया के बाद में बस इतने सोचते रहने कि पुष्पा लव लेटर पढ़ला के बाद में ओकर प्रतिक्रिया का होगी। कबो कबो अपन चेहरा आईना लेकर के देखत रहनी का इस आंवर चेहरा के लाइक करत होगी पुष्पा। आरजे रुन भैया हमके खुद पर विश्वास ना रहे, इतना खूबसूरत दुनिया में इतना ज्यादा सुंदर सुंदर लड़का लोग इतना हैंडसम लड़का लोग बानी, ये ब्यूटी कौन? हमरा हाथ के रेखा में बाटे या फिर ना? अर्चरण भैया लव लेटर लिखला के बाद डर गिल रानी। हमर लेटर के रिएक्शन का हो कि पुष्पा एक्सेप्ट करी या फिर हम के बदनाम करी इंसल्ट करी या फिर का करी? उहे सोचत रह गई नी। लव लेटर दिला के 2 दिन तक कोचिंग पढ़े ना आ गई नी आर चिरुन भैया, डर रहे। हमर साथी लोग रहनी साथी लोग से पूछत रहनी यार मंटू पुष्पा आज पढ़ाई रही है कि ना? मंटू दीपेश ये लोग कहत रहनी कि क्या बात बटे यार बड़ा पुष्पा के बारे में ख्याल आवत हटे, आखिर कहा पुष्पा के बारे में जाने की चाहत बड़ी? हम कहनी कुछ ना यार, बस इतने पूछता नहीं, इतना बताओ ना यार आयल रह लिए कि ना आज कोचिंग पर?
साथी लोग चिढ़ावत रह नियम के और दोस्त लोग कहने की आयल रह लिया। आज अरुण भैया डर के कारण से 2 दिन तक तो हम कोचिंग पर पढ़े ना गई नहीं। तब 2 दिन और भी कोचिंग क्लास डिस्टर्ब हो गई। 2 दिन के बाद जब कोचिंग पर पढ़े गई नहीं, दिल में डर सा पैदा भइल रहे, डरत रहनी कि पता ना का हो कि हमरा लव के ये प्यार सिर्फ एक तरफा ही है या दो तरफा, ऐसा ना हो के कि पिटाई भी हो के गाड़ी सुने के पड़े। लेकिन हरचरण भैया फिल्म में तो कहल जाला में डरने वाले कभी प्यार नहीं करते, जो डर गए मर गए। और फिर डरते डरते क्लास में गई नहीं, गईला के बाद में पुष्पा के देखनी मुस्कात रली। हमके समझ में आ गई कि प्यार एक तरफा ना बल्कि दुई तरफा है। सिर्फ हम ही पुष्पा के ना बल्कि पुष्पा भी हमके चाह ली और ये प्यार दो तरफा है। आर सिरन भैया पुष्पा के मुस्कान से पता चल गई कि पुष्पा भी हमके उतने चाह ली जितना हम चाह ली।
आशा है। दिल को हारा मैं क्या करूं, जीना लगे बिन तेरे यारा मैं क्या करूं। अर्चना भैया पुष्पा के एक नजर देखे के खातिर दिल तरह साथ रह 24 घंटा प्रतीक्षा करत रात कि फिर बिहान कब होकी की कोचिंग पर पुष्पा से मुलाकात होगी। पुष्पा से कबो समय ही ना मिला कि ओकरा से खुल के बात कर सकी, लेकिन जब हम की देखत रली शर्मा जात रली लजात रली और मुस्कुरात भी रली, हम कैसे लागत रहे जैसे हमसे बहुत प्यार कर ली। अर्जुन भैया कोचिंग पर पुष्पा के भैया सुबह में ही बाइक से छोड़े के खातिर आ जात रहनी, छुट्टी भैया के बाद में फिर वहां के पिकअप करे के खातिर वहां के भैया आ जात रहनी और क्लास में बात करी तक कैसे। आरजे अरुण भैया दिन बीतत गए, हम ये ख्वाब में जीत रहे कि पुष्पा हमसे भी प्यार कर ली, कैसे कि पुष्पा हमके देख के मुस्कैली शर्मायली। फिर कबो दिल ये भी सोचत रहे हमर लव लेटर ही पढ़ ली कि ना, अगर ना पढ़ ली तो फिर मुस्कैली का है, मुस्कुराए के मतलब ये है कि लव लेटर पढ़ ले ले बड़ी। दिन बीतत गई, हफ्ता बीत गई, दिल के बाद फैली से आराम से रख सकी ऐसा कबो मौका ही ना मिला। अर्चना भैया एक और लव लेटर लिखनी जौन पर पुष्पा से ओकर फोन नंबर मांगनी कि रुआ अपन फोन नंबर लिख के जरूर हमके भेजें। अर्चना भैया लेकिन लव लेटर देते कैसे, सिर्फ हम एक तरफा लव लेटर लिखिए, पुष्पा के लव लेटर जवाब में कबो ना आई अभी तक। फिर भी जैसे तैसे करके पुष्पा के देवे के ठान लेनी, अब लव लेटर लिख भी देनी और दे भी देनी। अर्चना भैया पुष्पा के ओर से जवाब में एक लव लेटर मिला हमके,
बयान कौन? कोचिंग में गणित पुष्पा जवाब में एक लेटर लिख के हमके दहली। लेटर हाथ में लिखला के बाद में दिल आकाश में उड़े लागल रहे। आकाश में खुशियां के ठिकाना न रहे, दोस्त लोग के पीछा छोड़ते छत पर जाके पड़े लगनी। लेटर खोल के पढ़ा था नहीं तब लेटर में पुष्पा लिख ले रही, सॉरी धीरेंद्र, हम मोबाइल यूज ना करें, हमरा फैमिली में परमिशन नहीं के मोबाइल यूज करे के, लड़की लोग है। और रहल बात प्यार के, धीरेंद्र जी रउआ एक हैंडसम और बहुत सुशील लड़किया बानी, हम भी रुआ के पसंद करेंगे, लेकिन सॉरी हम प्यार नहीं ही कर सकते अपने से। अर्जुन भैया लेटर पढ़ला के बाद में पुष्पा के फीलिंग्स हम समझ सकते रहे। ओ प्यार समर्पण है, प्यार है पूजा, प्यार पुष्पा रंग साना रंग कोई दूजा, कुछ मजबूर तो नहीं भी तो क्या है, आखिर वजह काती है अपना मजा है, लेकिन प्यार किया नहीं जाता, सॉरी हम रुआ से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन रुआ एक हैंडसम बानी, सुशील भी बानी, अपने के हर एक एक बात विचार व्यवहार पसंद आवेला, लेकिन प्यार नहीं कर सकत। बस इतना छोटा सा लव लेटर लिखे के वजह का दिया। और चिरुन भैया साथी लोग छत से नीचे आइला के बाद में पूछत रहनी, यार पुष्पा कहते दे लिया क्या हम नहीं की देख सकत। अर्जुन भैया दोस्त लोग के लव लेटर शेयर कहीं नहीं, कुछ दोस्त लोग हमसे मजाक उड़ावत रहनी, तो कुछ दोस्त लोग एनालिसिस करत रहनी, अपन अपन तर्क अपन अपन विचार साझा करत रहनी। अर्जुन भैया दिल में और भी पहले से ज्यादा बेचैनी हो गया, लेकिन सच्चाई तो यही रहे कि हम सच्चा दिल से प्यार करें पुष्पा के, ये दिल बस पुष्पा के खातिर ही धड़केला। अर्जुन भैया दिल हर हमेशा बेचैन रहते रहे, पुष्पा के लिखल हर एक एक बात हमके काफी कंफ्यूज करत रहे,
पुष्पा का लिखले बाड़ी, ऐसन कहा लिखले बाड़ी, ऐसन लिखे के बचाव का थी या पुष्पा के एक बात सुने के खातिर, एक बार देखे के खातिर काफी इंतजार करे के पड़त रहे। पुष्पा के बारे में बहुत ज्यादा कुछ हमके इसे भी पता ना रहे। आरजेरुन भैया फिर बिहान कोचिंग में जाके एक और लव लेटर लिखे पुष्पा के खातिर। दूसरा लव लेटर पर ही लिख ले रहने की पुष्पा आखिर रुआ के कुछ मजबूरी बाटे तो प्लीज साझा करे, लेकिन अपने के इतना संक्षिप्त लव लेटर में लिखल सब सब हमके और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा बाटे। कार वो हमके प्यार करनी या ना, और शौरी हम अपने के प्यार नहीं कर सकत, एक मतलब का दिया यार हम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा बानी। प्लीज कुछ मजबूरी बाटे या फिर हमरा में कुछ कमी बाटे या हम पसंद नहीं की तो जरूर अगला पत्र में लिखें। लेकिन हम तो रुआ से सच्चा प्यार करेंगे, अपन प्यार के कैसे जताई रुआ के कुछ समझ नहीं आव। लेकिन हाँ पुष्पा जी, अगर वक्त कब मिली हम क्या अपन प्यार जतावे के तो रुआ खातिर जान भी दे सकता नहीं। प्लीज जरूर अपन विचार अगला लव लेटर में लिख के भेजे, अगला पत्र के इंतजार करें अपने के।
अर्जुन भैया। सुबह शाम हर वक्त पुष्पा की याद में ही दिन गुजर जाते रहे। पढ़ाई में थोड़ा सा भी मन न लगे के खाए पिए के भी मन न लगे के कॉल भाई कोचिंग पर हो गई नहीं पुष्पा ना आई लली और भी ज्यादा दिल में घबराहट हो गया कि कहा आज पुष्पा पढ़े नहीं है। ओकर बारे में पूछी था किकरा से और भी क्यों उसे पूछला के बाद में तो दोस्त लोग मजाक उड़ावे लगे और भी ज्यादा चिढ़ावे लगे अर्जुन भैया। सला इलीगल लव जताए थे कैसे इलीगल ही होला दिल तड़प के रह जाते रहे पुष्पा के बारे में जानने के खातिर। लेकिन पुष्पा के बारे में जानी तो कैसे केकरा से दुनिया वीरान सा लागत रहे यार सिरन भैया सच कही तो पता ना फिर बिहान पुष्पा कोचिंग करी आई या ना शायद हमरे बात से पुष्पा के दिल में ठेस लाके कुछ बात से दिक्कत हो गई की अर्जुन भैया ये दर्द के वही समझ सका था जब प्यार की लोगी एक तरफा प्यार दिल के बेचैनी दिल के प्यार दिल के दर्द दिल के बेताब जब तक प्यार दो तरफा होके के शुरू ना भल रहला तब तक दिल कुछ ज्यादा ही घबराल रहला। हमर अनुभव अपने से साझा कर रहा था नहीं बिहान भाई दूसरा रोज भी पुष्पा क्लास करे ना आयल रही पुष्पा के देखे के बिना दिल पहचान रहत रहले अर्जुन भैया दो दिन तक हम कैसे बिताई नहीं सिर्फ हम जानता नहीं। पुष्पा के प्रतिक्रिया में एक लेटर जो नहल रहे लेटर के दिन भर में 50 बार से भी अधिक देखत रहनी बस ही सोचत रहनी कि आखिर वजह काती है। पुष्पा के बारे में कुछ जाने के चाहत रहनी लेकिन वक्त ही ना मिलल कबो पुष्पा के बारे में अधिक हम जान सके। बिहान भैला पर पुष्पा जी आयल रहली क्लास करे के अर्जुन भैया तब कुछ नहीं कैसा जो करना।
और पूछी तो किकरा से पूछी, कैसे पूछी, क्लास में सभी दोस्त लोग बानी। सोचत रहनी अपन दिल की कुछ बात साझा करेंगे, लेकिन गार्ड के साथ में जो पुष्पा आवेली सुबह और फिर जाए के समय वहां के भैया जे गार्ड के काम करे नी, अर्जुन भैया दिल के बात कैसे बताई, दिल बेचैन सा होखत रहे। छुट्टी भैया के बाद में हम सोचने की कुछ बात करी, लेकिन पुष्पा जैसे देख ली कि केहू नहीं के, एक लेटर फिर जाम के दहली। लेटर में ये चीज कूलर के लिखल रहे, धीरेन्द्र जी ना तो कुछ हो अपने में कमी बांटे और ना तो अपने की व्यवहार में, अरे वो तो हैंडसम वाली, सो हैंडसम, लेकिन कहा कि हमर एंगेजमेंट हो चुकल बाट, यह फागुन 13 का थे कि हमर शादी भी बा, रुआ बताई हमरा जगह पर रुआ रहती तो रुआ का जवाब में लिखती का जवाब देती, और हाँ कुछ हेल्थ खराब होला के कारण से ये 2 दिन तक क्लास करे ना ही, प्यार समर्पण है, प्यार है पूजा, प्यार के रंग साना रंग कोई दूजा, प्यार में तो आंसू जो बहे भी तो क्या है, प्यार की बरखा का अपना मजा है, लेकिन प्यार किया नहीं जाता ये तो होता है संजो। अर्जुन भैया हम कैसे कहें राहुल एंगेजमेंट के तोड़ के हमसे प्यार करी या फिर हमसे शादी करी, अर्जुन भैया सच कही था दिल लगावल ये दिल बहलावल, दिल बहलावल ही सबसे मूर्खता, दिल के हो सके तो इंसान के कंट्रोल करके रखेगा जाए अपने बस में, का फर्क पड़ा था दुनिया में कौन कितना सुंदर बाट, का फर्क पड़ा था दुनिया में कौन कितना सुशील कितना खूबसूरत कितना आशा भाड़ी, अर्जुन भैया बिना प्यार के लिए ही दिल टूट गए, पहला मुलाकात में ही पुष्पा से प्यार हो गया है, पुष्पा जी के पहला लव लेटर, पहला मुस्कुराहट, पहला हंस के अंदाज देखनी
दिल और ज्यादा बाल गई। ना जाने कितना ख्वाब इतना कम समय में सजा चुकल रहनी पुष्पा के साथ। सब हमने भूल जाए नहीं प्रेमी लोग कि प्यार के पहला अक्षर ही आधा अधूरा होला। प्यार कई बड़ बात नहीं है, प्यार के पावल बड़ बात। अर्जुन भैया दिल टूटला के बाद में बड़ी दर्द होला। और इस साला प्यार सच में कही था ये बहुत बेकार चीज होला। और प्यार कैल सिर्फ अपने आप की बर्बादी कैल के नियन होला। न खाए पिए के मन करेला, न काम धंधा में मन करेला। सब सपना एक साइड और प्यार के बारे में हर हमेशा सपना देखे के ख्वाब सजावे के ये हमारी प्रेमी लोग के एक आदत से बन जाला। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भैया हमार कहानी पढ़ देवे के खातिर। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz साथ www.radiobhojpuriefm.com के माध्यम से हम पात्रो एप्स के माध्यम से फेसबुक पेज में भोजपुरी FM 92.8 MHz पर कार्यक्रम सुना था नहीं जिंदगानी क्योंकि एक अनुभव कार्यक्रम में साझा करें। और आज हमने के कार्यक्रम में धीरेन्द्र जी के पत्र के जगह दिले रनिया। अरे वास्तव में ये प्यार जो शब्द शायद धीरेन्द्र जी की कहानी पढ़ला के बाद में का कहीं हम भी कुछ कह नहीं पाओ थे प्यार के बारे में ज्यादा। लेकिन खुले आंख से सपना देखे वाला लड़का लोग की प्यार के जाल में पड़ के अपन सपना के चकनाचूर करे के दिल तोड़ के घायल हो जाए के। अगर हमने के समाज में जिकरा हमने की कहनी कल के कन्याधार पिलर ऑफ नेशंस का ये है देश के कन्याधार के हालात जोश जुनून जोना एज में चाहे
उम्र में लोग दिल तोड़ बैठेला। कली उम्र का होला, प्लस टू बैचलर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट लोग है, तकरीबन 18 से 20 वर्ष की उम्र में जब प्यार करके केहू के बारे में सोच के अपने आप के डिस्टर्ब करके अपने आप के हार और थाकल नियन महसूस करके, हाँ कुछ लोग प्यार के टाइम पास के रूप में समझ नहीं, कुछ लोग प्यार के कुछ लोग प्यार में फिजिकल एंटरटेनमेंट या फिजिकल नीड्स के पूरा करे के खातिर भी करे नहीं, कुछ लोग दिल से कर बैठे नहीं। और दिल से प्यार करे वाला अधिकांश लोग घायल हो जाए नहीं, हमने के समाज में, भोजपुरी समाज में लव फॉर्जन सेल बाटे नो, हमने के समाज विदेशी के कोर्ट के स्थान तो दे देलस, विदेशी के भाषा के स्थान तो दे देलस, लेकिन विदेश से आयल प्यार जोन भोजपुरियन लोग दिल से भी करेला, ऐसा ना कि हर के हो फिजिकल नीडेड या टाइम पास इत्यादि के खातिर ही करत हो गया, दिल से भी कुछ लोग करे नहीं, अधिकांश लोग करे नहीं। लेकिन वो लव के इस समाज में स्थान नहीं है, धीरेंद्र जी अपने भी लिख ले रहनी है इलीगल लव। चलिए धन्यवाद, कार्यक्रम रेडियो भोजपुरी एफएम पर सुनता नहीं, और आज के कार्यक्रम से विदा माए के समय भी हो चुकल बाटे। काफी दोस्त लोग हमनी के फेसबुक के माध्यम से अपन विचार लिख रहल बानी, आज के कार्यक्रम से हम विदा माए के चाहे। कार्यक्रम लव स्टोरी अपने सब सुनता नहीं, विकी कुमार दास जी लिखा नहीं, हेलो दाई नमस्कार, हम विकी कुमार दास पकहा मैनपुर कंपालिका वार्ड नंबर 2 टोल सुरजहा से अपने के कार्यक्रम सुनता नहीं, बहुत अच्छा लागेला, दिल खुश उजाला अपने के प्रोग्राम सुन के, धन्यवाद विकी कुमार दास जी। ललित यादव जी लिखा नहीं, अरुण भैया आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं इंडिया दिल्ली में कार्यक्रम सुन रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ललित यादव जी। कृष्णा मुखी कन्हैया मुखिया जी आई एम फ्रॉम बेतिया लिख रहा बनी, धन्यवाद, माफ करम भेलहा, भेलहा में कार्यक्रम कन्हैया जी सुनता नहीं। सूरज पांडे जी लिखता नहीं, दिस इज माय हॉट टचिंग प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच सूरज पांडे जी। शंभु कुमार राज जी लिखता नहीं, नमस्ते नमस्कार प्रणाम राम राम, हम लखौरा स्मार्ट टेलर शिव मंदिर रोड से प्रोग्राम सुन रहे हैं सर, रेडियो भोजपुरिया एफएम बहुत अच्छा लगता है अरुण दाई, धन्यवाद। शंभु कुमार राज जी, रामेश्वर जी लिखता नहीं, सर नमस्कार, हम मलेशिया से सुनता नहीं अपने कार्यक्रम, धन्यवाद रामेश्वर जी। एमडी सुल्तान अली जी लिखता नहीं, गुड इवनिंग एमडी सुल्तान अली फ्रॉम मुंबई, आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच एमडी सुल्तान अली जी। भावना सोनी जी लिखा था नहीं, हेलो भोजपुरी एफएम, व्हाट्सएप से कॉल करने पर उठता नहीं है क्यों? अच्छा अभी जो कार्यक्रम रहलक है फोनिंग प्रोग्राम ना रहे। रंजीत कुमार माझी जी लिखा था नहीं, नमस्कार आरजे रुन सर, कुवैत में सुनता नहीं कार्यक्रम, रंजीत कुमार जी धन्यवाद अपने के भी, कुवैत में हमने के कार्यक्रम सुनल जाता, रंजीत जी सुनता नहीं, धन्यवाद रंजीत जी। हरि नारायण यादव जी सुन रहल बानी, वही तरह हमने के कार्यक्रम और भी काफी श्रोता लोग सुन रहल बानी। रामलाल सुमन जी, हेलो सर नमस्ते, का हाल बा, हम मलेशिया से परदेसी जीवन, रामलाल सुमन
प्रोग्राम फेसबुक लाइव से सुना था नहीं, और लिखा था नहीं हमारी गलतियों से कभी टूट मत जाना, हमारी शरारत से रूठ मत जाना, आपकी चाहत ही हमारी जिंदगी है, जिंदगी में कभी हमें भूल मत जाना। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल सुमन जी। और फिर लिखा था नहीं प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, जिंदगी भर आपको भुला ना सकेंगे, आप ही हमारे होठों की हंसी है, अगर जिंदगी में ना मिले तो चाह कर भी कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल सुमन जी मलेशिया से अपने दिल की बात लिखने जगह खातिर। ललित यादव कुमार जी लिखा था नहीं अरुण भैया आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल्ली इंडिया से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ललित यादव जी। राजेंद्र कुमार राज जी लिखा था नहीं गुड नाइट आरजे रुन सर, हम लखौरा लौरिया पश्चिमी चंपारण से सुन रहा बानी कार्यक्रम। धन्यवाद राजेंद्र कुमार राज जी। यासुदेव शास्त्री जी हाय लिखा था नहीं आरजे रुन भैया जी, अपने के भी अमर नमस्कार शास्त्री जी। मुन्ना मुखिया जी लिखा था नहीं फेटा गांव पालिका बात्रा से निधि मुखिया सुनातानी कार्यक्रम। धन्यवाद अपने के निधि मुखिया जी मुन्ना मुखिया जी। अरुण गुप्ता जी लिखा था नहीं आई लव यू आरजे अरुण यादव भैया, लव यू टू मेरे भाई। आर रजमान कुमार शाह जी लिखा था नहीं नाइस सॉन्ग दाई दिल का छुलिया सॉन्ग भैया, हम अपने की कार्यक्रम सुनाता नहीं जगन्नाथपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 5 चील झपटी से, और फिलहाल भरतपुर चितवन से बुलेट राजा अनिल छोटक ललित शत्रुधन श्री राम दीपेंद्र इत्यादि के अपन दोस्त लोग याद कर रहा बानी कार्यक्रम में। राहुल दास जी लिखता नहीं हम राहुल दास सुरजहा से सुनाता नहीं, हमरो नाम बोल दी तनका जरूर राहुल दास जी अपने के नाम हमने के बोल चुकल बानी। पीयूष प्रजापति जी लिखता नहीं हेलो आर जीरुन भैया का हाल बा, बढ़िया बाटे भाई अपन भी जरूर लिखेम पीयूष प्रजापति जी। ओम प्रकाश यादव जी लिखता नहीं हाय अपने की भी नमस्कार हमर आर जे ओम प्रकाश यादव जी। अरुण कुमार कलवार शाह जी लिखता नहीं हम सुने छी दीपही से आरजे रुन सर, धन्यवाद अरुण कुमार कलवार शाह जी रौतहट में कार्यक्रम सुनता नहीं जरा खातिर। वही तरह लक्ष्मी शाह जी लिखता नहीं नाइस प्रोग्राम सर जी, थैंक यू सो मच लक्ष्मी शाह जी। रुपेश कुमार जी लिखता नहीं नमस्कार भैया हम गणपति टेलीकॉम से रुपेश कुमार भवनरी आदापुर पूर्वी चंपारण बिहार से, बहुत दिनों के बाद आज प्रोग्राम सुन के मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश कुमार जी। रोज सुन पाइएगा आप। सोनू चौरसिया जी लिखा था नहीं अरुण दाई नमस्कार हम बीरगंज श्रीपुर से सुना था नहीं कार्यक्रम, धन्यवाद सोनू चौरसिया जी। संजय यादव जी लिखा था नहीं नमस्कार दाई अपने के भी अमर नमस्कार संजय यादव जी। श्रीकांत कुमार बैठा जी लिखता नहीं भैया नमस्कार हम कुछ दिन बाद आइल बानी धन्यवाद श्रीकांत कुमार बैठा जी। रकी गुप्ता जी लिखता नहीं हॉट टचिंग प्रोग्राम, थैंक यू सो मच रकी गुप्ता जी। किशुन कुमार शाह जी लिखता नहीं गुड इवनिंग आर जे रुन जी मी लिसनिंग फ्रॉम काठमांडू, थैंक यू सो मच किशुन कुमार शाह जी काठमांडू में हमने के सुने के खातिर। शंकर प्रसाद शंभू जी लिखा था नहीं मैं दरभंगा बिहार से सुन रहा हूं कार्यक्रम, थैंक यू सो मच शंकर प्रसाद शंभू जी, हमें दरभंगा बिहार में सुनने के लिए विशेष थैंक यू। प्रेमवर अधिकारी जी लिखा था नहीं गुड इवनिंग
आई एम लिसनिंग फ्रॉम काठमांडू. थैंक यू सो मच प्रेमवर अधिकारी सर, सुपर हिट प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर स्वीट कमेंट. प्रेमवर अधिकारी सर, शंकर प्रसाद शंभुजी लिखता नहीं, सादर नमस्कार अरुण भाई, आपको भी भाई का नमस्कार. एमडी शमशाद आलम जी लिखता नहीं, हेलो सर नमस्कार, हम गदियानी से बानी. धन्यवाद एमडी शमशाद आलम जी, गदियानी में कार्यक्रम सुनने के खातिर. काफी रेस्पॉन्स शंकर प्रसाद शंभु जी लिख रहा बानी. नितेश यादव जी लिखता नहीं, हॉट टचिंग सो नाइस प्रोग्राम, आई कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स. बहुत बहुत शुक्रिया नितेश यादव जी इतना लाइक करे के खातिर. मुकेश भोजपुरिया जी लिखता नहीं, नाइस प्रोग्राम आर जी रुन भैया, थैंक यू सो मच मुकेश भोजपुरिया जी. क्यों श्रोता जय करण जी शायद बनी, जय करण कुमार राम जी, ओ हट वाला टचिंग स्टोरी वाला, धन्यवाद राम जी. सिंगर धर्मेंद्र कुमार यादव जी लिखता नहीं, नमस्कार अरुण जी, एक तालाब में दो व्यक्ति डूब रहा है, एक वह जिससे आप मोहब्बत करते हैं और दूसरा वह जो आपसे मोहब्बत करता है, इनमें से किसी एक को बचाना है तो आप किसे बचाएंगे? मैं जानता हूं अधिकतम लोग यही कहेंगे कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं मैं उसे बचाऊंगा, मगर यह सोच गलत है. इसकी क्या गारंटी कि जैसे आप मोहब्बत करते हैं वो भी आपको दिल से चाहे. मेरे ख्याल से जो आपसे मोहब्बत करे आप उसी से करे, खुश रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सिंगर धर्मेंद्र कुमार यादव जी दिल के बात लिखने के लिए. संतोष कुमार जी लिखता नहीं, हेलो आर जी रुन भैया नमस्कार, हम संतोष कुमार बैठा सबैठवा नेपाल से कार्यक्रम सुनाता नहीं, फिलहाल मलेशिया में बनी अपने के लव स्टोरी कार्यक्रम, वेरी नाइस प्रोग्राम बट थैंक यू सो मच संतोष कुमार जी. सुभाष कुमार माफ करें सुभाष ठाकुर जी लिखता नहीं, वक्त भी कैसी पहली है, वक्त भी कैसी पहली दे गई, उलझने सौ जिंदगी अकेली दे गई, क्या बात है. राजीव पटेल जी लिखता नहीं, रेडियो है कि प्यार है. राजीव पटेल जी सबसे पहले अपने कार्यक्रम की थीम जरूर सुनने की कोशिश करे और ये अपने के जानकारी बांटे कि ये रेडियो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के माध्यम से या फिर अपने फेसबुक पेज के माध्यम से सुनता नहीं कार्यक्रम, और ये रेडियो पर सुनता नहीं अपने, शायद अपने हो सकता फेसबुक पर सुनत हो, फेसबुक पर भी सुनता नहीं अपने, ऑनलाइन के माध्यम से www.radiobhojpurifm.com पर भी सुनता नहीं, और हमारे पात्र एप्स में भी सुनता नहीं, शायद अपने पता ना रेडियो पर शायद नहीं सुनत, कमेंट बॉक्स में लिखता नहीं, वो हिसाब से हमके पता लगता कि शायद वो फेसबुक पेज के माध्यम से सुनता नहीं. और आज के लव स्टोरी कार्यक्रम है तो विशेष लव पर चर्चा करें, और ये कार्यक्रम में हम अपन विचार से अधिक केहू श्रोता केहू हमने के हजारों लाखों लिसनर में से एक लिसनर के दिल के बात सुनावे नहीं, क्योंकि जिंदगी सिमी घटल घटना जिंदगानी सुनावे नहीं, और ये जिंदगानी आज धीरेंद्र जी के रहलक है, यही से प्यार के ऊपर चर्चा होता. सरोज ठाकुर जी लिखता नहीं, भाई हम भी तो प्यार में बहुत धोखा खाए, प्लीज हमारे गाँव गाना को भी रिप्लाई कर दीजिएगा, तेरे दर्द से दिल का आवाज वाले गाने. सरोज कुमार ठाकुर
माय होम बिहार। थैंक यू सो मच सरोज ठाकुर जी। राहुल दास जी लिखा था नी, दिल छू लेवे वाला ये प्रोग्राम बाटे सर। धन्यवाद राहुल दास जी, कुर्बान हवारी सर, हमने के कार्यक्रम सुना था नी। और सर लिखा था नी, कुर्बान हवारी सर, हाई आर जेरुन बाबू स्वीट रिमेम्बर। आई एम लिसनिंग दिस नाइस प्रोग्राम विथ माय वाइफ बेगम तजमा हवारी फ्रॉम बीरगंज भेसुआ फुलवारी टोल। थैंक यू सो मच सर, हमने की रिस्पेक्टेड सर कुर्बान हवारी सर। कमेंट कर रहा बानी, धन्यवाद बाटे अपने के सर। रंजित महतो जी लिखा था नी, नमस्ते प्रणाम जय श्री राम, जय राम जी के। हम FM प्रेमी रंजित महतो बेगम लेडीज टेलर 3 नंबर रोड बीरगंज से सुन रहा बानी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लागल, बहुत अच्छा लाग रहा बा अरुण जी। धन्यवाद, धन्यवाद रंजित महतो जी कार्यक्रम सुन के प्रतिक्रिया लिखे के खातिर। आफिया खान जी हमने के कार्यक्रम में लिखा था नी, हाय नमस्कार आर जरुन भैया, स्टोरी स्टोरी से हॉट टचिंग को आपका आवाज है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, थैंक यू, शुक्रिया। स्टोरी से भी हॉट टचिंग तो आपका आवाज है, आवाज की तारीफ करे के खातिर थैंक्स, हार्टली थैंक्स सिस्टर आफिया खान जी। राजू कुमार जी लिखा था नी, भोजपुरी संग बजा दी दाई। थैंक यू राजू जी, लेकिन सॉरी अपने के गीत हमने के प्ले नहीं कर सका। सालनी झा जी लिखा था नी, नमस्ते प्रणाम, मैं काजल सीतामढ़ी से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, गुड नाइट। थैंक यू सो मच काजल झा जी। संजीव कुमार प्रजापति जी लिखा था नी, हॉट वॉशिंग प्रोग्राम बाद ब्रदर। थैंक यू संजय कुमार प्रजापति जी। अनिल सिंह कुशवाहा जी लिखा था नी, सीतामढ़ी से सुना था नी कार्यक्रम, धन्यवाद अनिल सिंह जी। एजे चौधरी जी लिखा था नी, हाई अरुण दाई, अपने के प्रोग्राम बहुत अच्छा लागल, थैंक यू आर जे अरुण सर, थैंक यू सो मच एजे चौधरी जी। एके सहनी जी लिखा था नी, बहुत अच्छा लागल बा, बहुत अच्छा लागत बा अपने के कार्यक्रम सर जी, धन्यवाद एके सहनी जी। राहुल दास जी लिखा था नी, एके सहनी जी सुन अमर जी हम सुनत बानी, धन्यवाद। और सुभाष ठाकुर जी लिखा था नी, सर मैं शेयर कर दिया हूँ, हॉटली थैंक्स सुभाष सर, आदरणीय श्रोता। शिव पूजन जी कहता नी कि काफी श्रोता के मैसेज भी आयल बाटे, काफी दोस्त लोग हमने के फोन भी कर रहा बानी। दिलीप पटेल जी मैसेज लिखा था नी, वही तरह हमने के कार्यक्रम में आदर्श कोतवाल गांव पालिका चिउटाहा से दिलीप पटेल जी कार्यक्रम में अपन विचार लिख रहा बानी। आरजे रुन भैया प्रणाम, हम संदीप कुमार बहुअरबा भाटा के, अपने के बहुत बढ़िया लागल अपने के आवाज, कोयल के भी बेस्ट बा, गुड नाइट। थैंक यू सो मच संदीप कुमार जी। ब्यूटीफुल प्रोग्राम आर जे रुंदाई, आई एम सिद्धार्थ एंड आई एम फ्रॉम बीरगंज। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। नेक्स्ट मैसेज, नमस्कार भैया, हम अरुण कुमार राम बहुअरबा भाटा से, अपने की आवाज बहुत स्वीट बा भैया, धन्यवाद राम जी। सभी दोस्त लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, काफी मैसेज हमने के मिल रहा बाटे। कार्यक्रम से छुट्टी के दाम मन ना करेला, लेकिन का करे, समय के पाबंदी बाटे, हमने के छुट्टी के पड़ेला। सिपूजन जी कहता नहीं, काफी दोस्त लोग फोन पर भी बानी, कुछ दोस्त लोग से बात कर ली, हमनी के 7 मिनट टाइम देता नहीं सिपूजन जी, 7 मिनट तक हमनी के बात करें। नमस्कार। हेलो सर, अरुण सर नमस्कार। नमस्कार भैया, कार्यक्रम में स्वागत बैठे अपने के। ये धन्यवाद। कहाँ से की बोलो तानी अपने? जी हम कलैया से मोतीलाल यादव बोलो तानी। मोतीलाल यादव जी कार्यक्रम सुननी है? जी सर पूरा सुननी है। सुननी है, क्या कहे के चाहता नहीं? कहे के तो ये चाहता नहीं, वो अपने के गॉड गिफ्ट बाटे, मतलब प्रस्तुत करे के शैली।
जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, कार्यक्रम और आवाज़ शैली के अपने विशेष हमनी के प्रोत्साहित करने के खातिर धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट। आदरणीय श्रोता 9803065013 पर काफ़ी दोस्त लोग हमनी के साथ जुड़ रहा बानी, अगला कॉलर से बात करें, संक्षिप्त बात। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर अपने सूत गई बनी शायद, थोड़ा सा जाग जाइए और फिर बात करी, कैसन? जी सर। कार्यक्रम में स्वागत बाटे सर अपने के, सभी श्रोता सुन रहा बनी रेडियो सेट पर। जी सर। अपन परिचय बताओ जो सर, कहाँ से की बोलो तनी अपने? जी हम नागोवा से। प्रवीण जी, कार्यक्रम सुना था नहीं प्रवीण सर अपने? जी सर। क्या कह के चाहता नहीं? प्रवीण जी हमने के साथ में बनी, माफ करें प्रवीण जी के फोन डिस्कनेक्ट हो चुका बाटे। आदरणीय श्रोता व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ दोस्त लोग हमने के साथ जुड़ रहा बनी। नमस्कार। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, अपने के बगल में रेडियो बोल जाता, साउंड थोड़ा सा कम करके बात करें तो शायद हमने के बात स्पष्ट रूप से होके पाई। जी सर, जी रेडियो से हम दूर हो गए पनी। जी अपन शुभ परिचय सुनाओ जो। हम एफएम प्रेमी रंजीत महतो दीवाना कन्ना डुमरिया पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला बिहार से बोल रहा बनी आरजे अरुण सर। अच्छा, जी आज हमनी के युवा लोग के ऊपर केंद्रित होके कार्यक्रम संचालन कहनी है, विशेष करके नवयुवक लोग के लव स्टोरी कार्यक्रम होला, और ये जिंदगानी के माध्यम से सिर्फ कोनो जरूरी ना कि प्रेमी प्रेमिका बीच के ही कहानी हमने के प्रस्तुत करें, हमने के कार्यक्रम में अनेकन किस्म के कहानी सब, जैसे कि पारिवारिक कहानी भी हमने के प्रस्तुत करेनी, माई बाबूजी के और बेटा के बीच के जो संबंध होला, भाई बहन बीच के भी संबंध होला, हर इंसान के जिंदगी में बहुत ऐसा प्रकार के मतभेद, मनमुटाव इत्यादि होकेला, तो कहानी के माध्यम से हमने के प्रस्तुत करेनी, लेकिन आज हमने के एक नवयुवक के जौन पढ़े के उम्र में प्यार भइल रहे, खोल के बात करता नहीं हम, प्यार भइल रहे और ओकरे कहानी प्रस्तुत करनी है, का कहे हम अपने सुननी है? हाँ, शुरू से सुना था नहीं, दुकान पर से सुनते सुनते बीरगंज से और घर पर तक ले आ गेल बानी, और आके यहाँ से कमेंट भी लिखनी है और रउआ से बातचीत भी हो रहा बटे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और राउत प्रस्तुति गीत संगीत सोचना समाज परिवर्तन के एक ही माध्यम भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज और आरजे अरुण जी के साथ ई जोन समाज में और जागृति और हर तरीका से नदी तो एक एगो होला, घाट ओकर कई होला, तो वो घाट के हिसाब से रउआ जोन हिसाब से प्रस्तुति करनी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लागल है। और ई चीज के हम दर्शाए के चाहे सर कि टेम्पू और दौड़ी दुकान में भी हम सुनते है नहीं है, और बहुत ऐसा मगर मयूरी टेम्पू ना होला तीन चक्का वाला, जी 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 जी, वो भी जगह पर हम सुनते है नहीं, इतना हमरा खुशी लागल है, इतना आनंद आई है कि हम का कही क्या नहीं कर सकत कि आरजे अरुण के आवाज सुने खातिर कितना लोग ललायत बनी और कितना लोग बेचैन रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी टेम्पू चालक भैया लोग के और जे भी हमने के कार्यक्रम सुन रहा बानी, चाहे दुकान में सुनता नहीं या फिर टेम्पू पर सुनता नहीं, अपने सबसे रिक्वेस्ट बाटे काम पर जरूर अपन लगनता के साथ काम करी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमने के सुने नहीं जेकरा खातिर, सबके उम्मे नमस्कार। नमस्ते, प्रणाम सर। जी प्रणाम। आदरणीय श्रोता रेडियो भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से कार्यक्रम सुनता नहीं, अगला कॉलर से हमने के संक्षिप्त बात करें। नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत बैठे अपने के, परिचय सुनाइए अपन। सुरुचि पटेल जी, कब से कार्यक्रम सुनता नहीं सुरुचि जी अपने? शुरू से सुनाता नहीं, क्या कहे के चाहता नहीं अपने? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। गुड नाइट। आदरणीय श्रोता अगला कॉलर से हमनी के बात करें, व्हाट्सएप के जरिए के दोस्त हमनी के साथ में जुड़ल बानी। सर नमस्कार। हेलो। दाग दामन पे सजा के रखेंगे, दाग
दामन पे सजा कर रखेंगे, हम तेरे इंतजार में आंखें बिछा कर रखेंगे। तू लाख बेवफा ही सनम, तू लाख बेवफा ही सनम, हम तुझे अपनी आंखों में छुपा कर रखेंगे। क्या बात, सुनी मांग से चाता सिंदूर, सुनी मांग से चाता सिंदूर, इंतजार जो तुम्हारा कर सूत्र आज भी तुम्हारा इंतजार करता है। हेलो भैया, नमस्कार, जय माता दी। अपन परिचय सुनाई सर। भैया हम ग्राम पोस्ट इब्राहिमपुर परसौनी थाना फेनरा जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार के निवासी पप्पू परदेसी बोल रहा है बानी, फिलहाल अभी कोलकाता से। अरुण भैया, अच्छा कोलकाता के समाचार कैसे बैठे पप्पू परदेसी जी? कोलकाता के समाचार भैया बहुत बढ़िया बा, अच्छा बनी। और कह जाओ तो यहाँ जगह जगह भी लॉकडाउन लग चुकल बाटे कोरोना के लेके। और फिलहाल अभी हम जोना इलाका में बानी मल्लिक बाजार में, वो इलाका में कोनो तरह के दिक्कत नहीं के। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी करने के खातिर, सतर्कता के साथ अपने काम पर लगनता के साथ ध्यान देते रही, धन्यवाद। कुछ कह के चाहता नहीं भैया, बहुत बढ़िया। पहले काम पर ध्यान देवे के पड़े जी। धन्यवाद पप्पू परदेसी जी, नमस्कार, शुभ रात्रि जी, गुड नाइट। बहुत देर से के दोस्त हमनी के साथ फोन लाइन पर बनी। नमस्कार, हेलो सर, नमस्कार जी। अपन परिचय सुनावल जाओ सर, कहाँ से के बोला था नहीं अपने जी? हम कृष्णा मंडल से बोलते हैं। कृष्णा मंडल जी, जी सर। कब से कार्यक्रम सुनता नहीं कृष्णा सर अपने? कार्यक्रम तो शुरू से सुनने सर, शुरू से लगभग एक घंटा से भी अधिक, से डेढ़ घंटा से भी ज्यादा समय ले चुकल बानी जी। शुरू से सुनिए सर, जौन थी कार्यक्रम जौन विषय पर चल रहा लव स्टोरी ऊपर बारे में, तो शब्द रखे के चाहते हैं एकदम रखल जाओ सर। सबसे पहले तो हम ही कहे के चाहे कि देख, प्यार और पाप एक अक्षर भगवान जी 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 जी। तो हमने ये बहुत जल्दी क्यों प्यार करे या ना करे पर आगे हमने प्यार समझ लिया ला, पर ऊपर अंजाम का होला वो आएला दिन में समझ आएला है। लेकिन जैसे भी हम भी शादी भल तलाक भर सब चीज भल, तो हम ये एक प्यार समझ ले सर, पर मालूम ना कि आदमी जौन से प्यार कर ले दिल में क्या चलता ऐसा कभी भी ना करे के चाहे। हम संपूर्ण सत्ता मित्र से पाए के चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मंडल जी अपन विचार साझा करे के खातिर जी। नमस्कार आदरणीय श्रोता धीरेन्द्र जी के कहानी हमने के पढ़नी है कार्यक्रम में, काफ़ी कहानी हमने के पढ़नी। बेवफाई होला प्यार कैला के बाद में दिल टूट जाला, लोग हतोत्साहित हो जाला, दिल ना लागेला कोनो काम में, ई कहीं ना कहीं से कुल मिला के हमने के सफलता के खातिर बाधक चीज है प्यार, जैसन प्रश्न हो रहल बाटे। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम जी। प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत बाटे सर अपने के। हमनी के लास्ट कॉलर से बात कर रहल बानी जी। हेलो जी, बहुत देर से मतलब जब कार्यक्रम शुरू भेल तब ये हम फोन लगात बानी। अच्छा परिचय सुनाई सर, कहाँ से के बोलता नहीं अपने, नाम सुनाई जी? हम जी अभिषेक कुमार यादव बजत है मलेशिया से। मलेशिया से सुना था मतलब लास्ट में फोन जी जी हम बतने मतलब लगल मतलब फोन में नहीं कोई फोन अगर मतलब फोन काट गए हमार फोन काट देल गेले ना का होला व्हाट्सएप पर सुने सुनल जाओ सर, व्हाट्सएप पर दू गो फोन एक ही साथ में आवेला, अपने के विश्वास नहीं के तो अपनी लाइन पर रही अभी दूसरे श्रोता से बात कर रहा था नहीं अपने ही के लाइन पर। हेलो नमस्कार, हेलो नमस्कार, नमस्ते प्रणाम। अच्छा नमस्कार प्रणाम जी, कहाँ से क्या बोला था नहीं अपने? अच्छा काजल जी, अभी हमने के बात करत रही है एगो श्रोता से मलेशिया से, अपने के घंटी आवत रहे कि नहीं नंबर पर?
जी ना ना आवत रहे ना, ना अभी अभी फोन लागत रहल रिंगिंग देखावत होगी अपने के मोबाइल में अभी जैसे फोन कटल हनु का होला एक्चुअली में हमने की एक श्रोता से बात करत रहनी और दूसरे श्रोता के फोन आ जाला अपने सुने में टिक 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 का होला की जब दूगो फोन आवेला मोबाइल पर तो वो आवाज करत रहला ओकरा ही हमने के सिस्टम से मिलावे नहीं जी जी काजल जी बहुत बहुत स्वागत बाटे कार्यक्रम में शायद अपने से पहला मरतबा ही बात हो रहा बाटे कार्यक्रम में जी धन्यवाद जी सीतामढ़ी में कार्यक्रम सुने नी जी हमने के भोजपुरी एफएम के कार्यक्रम आज जिंदगानी यानी कि लव स्टोरी एकरा के इंग्लिश में ये जिंदगानी कार्यक्रम सुननी अपने जी जी सुननी हां जी का कहे के चाहता नहीं हमने के प्रस्तुति के बारे में या फिर कार्यक्रम के बारे में जी अपने के प्रोग्राम के बारे में तो कहब कि ओकर कोनो जवाब नहीं के वो तो अंगा जवाब बने लेकिन प्यार मोहब्बत कुछ नहीं के हम ये कहेंगे कि प्यार मोहब्बत अब की दुनिया में कुछ नहीं के जी धन्यवाद नमस्कार शुभ रात्रि काजल जी गुड नाइट आदरणीय श्रोता रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से कार्यक्रम सुना था नहीं और आज के 17 से आज के एपिसोड से हमने के विदा माए के समय हो चुकल बाटे यही से अपने सबसे न चाहते हुए भी विदा माए के पड़ी बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्त लोग के आरजे सिपूजन के साथ हम आरजे रुन छुटे के जाएं नमस्कार शुभ रात्रि यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग क्या है प्यार बताओ ना दिल का चैन या दिल का रोग हो किसी डिस्को में जाए जाए किसी होटल में खाए कोलार्क रिसॉर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी जी आप सही सुने कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं। खास तौर पे बोर्ड मीटिंग कॉन्फ्रेंस बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है। क्लार्क रिसर्च आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज इंडियन कॉन्टिनेंटल इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है। आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए सुनील मिश्रा फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें। मोबाइल नंबर 98152087 08। ए भौजी इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो बबी का शादी फेर कट गए तो ये बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा तो सुना भौजी ये रोवल धोवल छोड़ अब बबी के लेके एसपी त्यागी सेवा सदन में चल जा वहाँ डॉक्टर साहब बैठे नी जी एकरा अलावा सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टेबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज कर रहल बाड़न और गेठिया साइटिका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता इत्यादि बीमारी के इलाज जड़ी बूटी द्वारा कर रहल बाड़न और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा शुगर एवं पथरी के इलाज भी आयुर्वेदिक द्वारा करे लन डॉक्टर साहब दर्द के स्पेशलिस्ट बाड़न प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड के निकट भी मार्ट के बगल में रविवार हरसिद्धी थाना के बगल में पूर्व प्रमुख राजा राम जी के मकान में बुधवार नरकटियागंज कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में आ मोतिहारी LIC से पूरब आनंद होटल के नीचे गुरुवार घोड़ा सहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब सीताराम शाह जी के मकान में शुक्रवार शनिवार रक्सौल में डंकन हॉस्पिटल से पूरब पहला गली त्यागी जी के अपने मकान में समझ गई ला हो भाई हम तो देख लो ही नहीं तो डॉक्टर साहब के नंबर लिख लो 9955944453 डॉक्टर साहब देखी ना मुंह पियर आ गई बा हाँ तो झंझनाता का बाय कर इलाज
देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी। जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स। जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस आ छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आ पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर स्टोमा क्यूर। गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर। ए काका जी का भइल बा काहे सामान गिरावत आनी आंख से दिखाई नहीं के देत का पटाका भइल बा आज कल आंख से धुनराह दिखाई देता आ बहुत ज्यादा दुखात भी बा आंख में जब इतना बीमारी बा त डॉक्टर साहब से दिखावे के ना चाही। ए बबी ठीक होके में कितना दिन लागी खेती पाटी के काम बा छोड़ दी बाद में देखावल जाई। सुनी आंख शरीर के एक संवेदनशील अंग है एकरा में खराबी भइला पर लापरवाही न करे के हम अपने के किरण आखा अस्पताल में ले चलतानी। यहाँ तो शंकर नेत्रालय मद्रास से तालीम प्राप्त आँख के डॉक्टर डॉक्टर अमर कयाल आ बच्चा के आँख के विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कयाल जी के साथ अनुभवी डॉक्टर सब के टोली द्वारा उपचार हो रहल बा। साथ ही शनिचर के सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी चेक जाँच होखेला। अत्याधुनिक फेको मशीन द्वारा मोतिया बिंद के ऑपरेशन आँख के संपूर्ण बीमारी के इलाज आ आँख के ऑपरेशन कैला के 2 घंटा बाद में ही आँख से देख सकतानी आ घरे भी जा सकतानी। ए इतना आसान बात चली देर काहे करतानी। विशेष जानकारी के खातिर किरण आखा अस्पताल रजत जयंती चौक से 50 मीटर पूर्व बाईपास रोड बीरगंज फोन नंबर 0551-5244-5540 और 9807-7591। किरण आखा अस्पताल हर रोज सुबह 10 बजे से संझिया 4 बजे तक खुल रहल बाटे। काका प्रणाम। हाँ नारायण एक का समाचार बा। काका देखो ना घर में सब के मियाज खराब हो गई बा। ए ऐसन बात बा चिंता मत करो अब हरेक रोग के इलाज करियन डॉक्टर एसपी अरुण जैसे बात रोग साइटिका गठिया दामा पेट गैस महीनवारी के खराबी बवासीर खूनीबादी लिकोरिया के इलाज बिना ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर एसपी अरुण कर रहल बानी। संपर्क डॉक्टर एसपी अरुण रक्सौल बड़ी डाकघर के सामने धर्मशाला में हरेक महीना 23 या 24 तारीख के ही इलाज करेंगे। मोबाइल नंबर 9478-36966 और 9933-58098। डॉक्टर एसपी अरुण। मोतिहारी का गौरव मनी हॉस्पिटल एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनी शंकर कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में यहां न्यूरो सर्जरी विभाग हड्डी रोग जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग न्यूरोलॉजी एवं सभी प्रकार के स्टोन सर्जरी विभाग महिला एवं प्रसूति रोग विभाग नवजात शिशु रोग विभाग नाक कान एवं गला रोग विभाग प्लास्टिक एवं ऑटोमेटिक सर्जरी डेंटल एवं मेक्जेलो फेसियल सर्जरी विभाग मेडिसिन एवं मानसिक रोग विभाग संचालित किया जाता है। हमारे सुविधाएं नवजात शिशु के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था कैंसर मरीजों के लिए कीमो चढ़ाने की सुविधा मोतिहारी में पहली बार अल्ट्रा मॉडर्न ओटी के सुविधा 24 घंटे इमरजेंसी सेवा आईसीयू सीसीयू एनआईसीयू बीपैप सीपैप एडल्ट एवं नियोनेटर वेंटिलेटर की सुविधा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि श्री द्वारा सभी प्रकार के स्त्री रोग एवं बाचपन का सफल इलाज किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें मनी हॉस्पिटल एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर NH28A बड़ा बरियारपुर छतौनी मोतिहारी। मोबाइल नंबर 6206-00127। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। अरे प्रीतिया पूरा कॉलेज में तोड़े चर्चा छो बुझाई अजय सब टा पॉकेट मनी तू पार्लर में उड़ावे छी। नहीं नहीं हमर पार्लर तो हमर पर्से में छे। पर्स में पार्लर कहाँ देखियो तोहर पार्लर या देखी अरे इतना गोरी गोरी
बड़ी क्रीम छे। हाँ, तो छे हमर पार्लर। जी आप पार्लर जाकर नहीं अपन घरे पर बनू सुंदर मात्र गोरी गोरी क्रीम सर जे बनाए तहां के चेहरा के गोर स्वस्थ आ चमकदार तहिना मुंह के दाग झुर्री आ आंख के नीचा में रहल डार्क स्पॉट सब के हटा कर सवार तहां के कुदरती सुंदरता के गोरी गोरी क्रीमक अपार सफलता के बाद अब आबि गेल अछि गोरी गोरी साबुन सबके फेवरेट ई लगला सो त्वचा एकदम मुलायम चेहरा एकदम सफा आ छाला के लाइटिंग देखबे तो देखते रह जाए गोरी गोरी क्रीम और गोरी गोरी साबुन बाजार में सर्वत्र उपलब्ध है कुदरती निखार के लिए गोरी गोरी क्रीम ए चाचा जी राउर लाठी हेने बाटे आ खोजतानी होने हैली रोवा अपन लाठी अरे देख ना बबी आंख से कुछ लौटे नहीं खे भगवान तो हटा सदा खुश रखे चली चाचा जी रौरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में ई हॉस्पिटल के सेवा सब हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज जल बिंदु के संपूर्ण इलाज बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा कॉर्निया के संपूर्ण इलाज बच्चा के आंख के संपूर्ण इलाज नेपाल सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अंतर्गत आंख के संपूर्ण निशुल्क इलाज नोट कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली आंख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आंख अस्पताल परवानीपुर बीरगंज ओ माय गॉड ठुलो दुर्घटना पो भएछ हेरा हेरा के भो 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 अवस्था त गम्भीर पो छ यसको उपचार यहाँ सम्भव हुँदैन होला काठमाडौँ लानु पर्छ काठमाडौँ लानु पर्दैन बीरगंजको नारायणी वयोध्या अस्पतालमा लगे भइहाल्यो नि बीरगंजमै सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक विज्ञ चिकित्सकको टोली सहित बाहिर लानुपर्ने बिरामीहरूको सम्पूर्ण उपचार नारायणी वयोध्या अस्पतालमा भइरहेको छ बरु ढिला नगरौ हजुर काठमाडौँको वयोधा अस्पतालको शाखा प्रदेश नम्बर 2 को बीरगंजमा खुलिसकेको छ जहाँ उपचारको लागि उपलब्ध छ विश्वस्तरीय सुविधा